झांसी ललितपुर जालौन सीट से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रत्याशी रमा निरंजन का सघन जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। रमा निरंजन वर्तमान में MLC हैं। उनके पति RP निरंजन के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। कोंच में माधोगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक मूलचंद निरंजन के आवास से विधान परिषद सदस्य चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। यहां पर विधायक निवास पर MLC प्रतिनिधि RP निरंजन का स्वागत हुआ और शिष्टाचार भेंट भी हुई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां पहुंचे और योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। पहले BJP के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, चाहे हमारे मोदी हों, चाहे योगी जी हों, सुगंध योगी हों, और इन लोगों ने हम में आस्था व्यक्ति हम जैसे आदमियों को पुनः टिकट दिया है, ये उनकी बधाई के पात्र हैं वो, और हम उनकी नीतियों पर खड़े उतरेंगे। और प्रधान BDCO के लिए जो हमने 5 साल काम किया है सभासद के लिए, इससे अच्छा काम करते रहेंगे। आगे हमारी योजना है कि BDC का जो मानदेय नहीं है वो मानदेय किया जाए, BDC के लिए जो अपने ग्राम में निधि नहीं है उसको BDO के माध्यम निधि दी जाए, सभासदों को मध्य प्रदेश के समान मानदेय दिया जाए, और जो भी योजनाएं हैं वो हम बहुत ताकत से लागू कराएंगे। हमारा जनप्रतिनिधि आगे तरक्की करेगा। मैं ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि 9 अप्रैल को रमा निरंजन को प्रथम खाने पर मत देकर बजेगा। पिछले कार्यकाल में आप जनता के बीच 24 घंटे रहे हैं हमेशा, इस बार जनता के लिए क्या विशेष रहेगा? इस साल जनता के लिए विशेष रहेगा, गाँव एक तो हम सूर्या लाइट ऊर्जा पूरे गाँव में लेना चाहते हैं, और ब्लड बैंक की स्कीम के द्वारा गाँव का पूरे 3 जिले का भविष्य में इतना पैसा लाएंगे ब्लड बैंक से कि कोई गांव नहीं कह पाएगा। शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, गांव में खड़ंजन नाली के विकास, ये हम पूरा करेंगे, ये हमारा प्रयास है। आज कौन तहसील के कौन कौन जगह पे आपका जनसंपर्क है? मेरा प्रोग्राम नदी गांव में है, नदी गांव के बाद हमारा प्रोग्राम कराम के जो है नियामतपुर में है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम कदौरा में है, और शाम को प्रोग्राम उरई में। आज 4 जगह प्रोग्राम हमारा, शाम को पहुंच जाएंगे, कल फिर आएंगे कोंच में, कल कोंच में आपके यहाँ भी प्रोग्राम है, कल हमारा जालौना प्रोग्राम है, और कल हमारा कुठौना।